नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पे लगा आरोप। विधायक के बड़े भाई धर्मेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता में आरोपों को बताया झूठा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गुड़वाना समाज ने भरी हुंकार। समाज के लोगों ने अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना। बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। स्वतंत्रता परेड में शामिल होंगे पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली। परेड की दी जा रही ट्रेनिंग। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। कुछ दिन पहले राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पंडित द्वारा भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और उनके बड़े भाई धर्मेंद्र यादव सहित परिजनों पर लगे हवाला के आरोपों के बाद पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव धर्मेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता में मीडिया के सामने अपनी बात रखी। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जिस अनिमेश सिंह के साथ यस बैंक के खाते से उनके व उनके भाई विधायक देवेंद्र यादव सहित परिजनों के लेन देन का आरोप लगाया जा रहा है वह पूरी तरह से निराधार है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अनिमेश सिंह से उन्होंने या उनके भाई देवेंद्र यादव व उनके किसी परिजन ने किसी प्रकार का लेन देन नहीं किया है। इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव के ससुराल पक्ष के ताम्रकार परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं है। जिस धर्मेंद्र यादव का अनिमेश सिंह से व्यवहारिक लेन देन है वह सुपेला मार्केट हाउस नंबर 24/5 पटेल बेकरी के पास का निवासी है। उसका श्रीमती उषा देवी यादव, श्रीमती घुमा देवी यादव, वीरेंद्र यादव का विधायक देवेंद्र यादव व धर्मेंद्र यादव से कोई संबंध नहीं है। धर्मेंद्र यादव ने बताया कि जिन कंपनियों आदित्य रोड लाइन, अर्थव माइनिंग, जीटीआर एजुकेशन सोसाइटी, मध्यानी बिल्डर अतुल राय, सुशांत श्रीवास्तव, सेवा सिंह ओबेरॉय, श्याम शर्मा, संतोष गुप्ता, पवन चौधरी, प्रतीक चोपड़ा आदि का विधायक देवेंद्र यादव या उनके भाई धर्मेंद्र यादव व उनके किसी परिवार के सदस्य का कोई लेन देन नहीं है। पिछले 4-5 दिन पहले रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मेरे परिवार के खिलाफ में। यहाँ के एक मामले में मैं और मेरा परिवार लिप्त है, तो उसको लेकर रायपुर में मैंने पेपर के माध्यम से जानकारी दी थी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए कि भिलाई का मामला है कि कम से कम भिलाई में भी हमारे सभी लोग जाने कि बीजेपी के पूर्व विधायक और स्वाभिमान मंच के क्या अध्यक्ष हैं वीरेंद्र पांडे जी, उन्होंने जिस हिसाब से मेरे ऊपर और परिवार के ऊपर लालचन लगाया था और उस लालचन में मीडिया के माध्यम से भी पता चला है कि उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है, लेकिन मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है तो मैंने कानूनी नोटिस उनके पास भेजी। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि केवल सनसनी फैलाने और विधायक देवेंद्र यादव और उनके परिजनों की छवि खराब करने के उद्देश्य से छोटे निराधार आरोप लगाए गए हैं, इस पर मानहानि व न्यायालय कार्यवाही भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने भिलाई में करोड़ों के हवाला रैकेट का खुलासा किया है। उन्होंने पूरे मामले में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की संलिप्तता का आरोप लगाया है। ठेकेदार हितेश चौबे के कर्मचारी अनिमेश सिंह के यस बैंक के खाते से करोड़ों के लेन देन का खुलासा किया गया है। वीरेंद्र पांडे ने यस बैंक में अनिमेश सिंह के नाम से हितेश चौबे द्वारा अवैध रूप से एक करंट अकाउंट 24 जनवरी 2017 को खुलवाकर 28 नवंबर 2019 तक कुल 160 करोड़ रुपए के लेन देन की बात कही थी। यही नहीं, इस पूरे मामले में वीरेंद्र पांडे ने विधायक देवेंद्र यादव के बड़े भाई धर्मेंद्र यादव सहित श्रीमती उषा देवी यादव, श्रीमती रूपा देवी यादव, वीरेंद्र यादव आदि के नाम से लेन देन होने का आरोप लगाया था। देखिए, जो मामला भिलाई का है वो मामले में स्वतंत्र है, हमें क्या लेना देना उससे। भिलाई में धर्मेंद्र यादव अकेला तो है नहीं, कई नाम के हैं मेरे नाम राशि लोग, तो उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए और मेरे और मेरे परिवार पर ये लालचन लगा दिया और मीडिया के माध्यम से भी मेरे को पता चल रहा है कि वे माफ़ी भी मांगे हैं। देखिए, मेरे पास किसी प्रकार का कोई उनका पत्र, किसी प्रकार की कोई जानकारी मेरे पास नहीं आई है। आपने लीगल नोटिस भेजा उनको? जी। क्यों भेजा नोटिस? नोटिस इसलिए भेजा कि उन्होंने नाम सहित पेपर में दिया, मेरा नाम दिया है और जो नाम दिए कि मेरे
माँ का नाम है या मेरे पत्नी का नाम है, कुछ है ही नहीं। वो तो किसी और का मामला है, वो हमारे परिवार से मैच करके उन्होंने पीसी लेके रायपुर में और पूरे परिवार की हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस पर गोडवाना समाज द्वारा सिविल लाइन स्थित गोडवाना भवन में सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के आराध्य देव बूढ़ा देव की पूजा अर्चना कर रैली निकाली गई। समाज प्रमुखों ने धमधा नगर पंचायत द्वारा समाज के धमधा के किला व त्रिमूर्ति महामाया मंदिर व तालाब को सरकार को सौंपे जाने के प्रस्ताव पर विरोध जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि समाज की इससे आस्था जुड़ी हुई है और इसका ऐतिहासिक महत्व है, इस प्रकार के किसी प्रकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने पर सड़क स्तर तक लड़ाई लड़ी जाएगी। विश्व आदिवासी दिवस पर गोंडवाना समाज द्वारा सिविल लाइन स्थित गोंडवाना भवन में सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान समाज के आराध्य देव बूढ़ा देव की पूजा अर्चना कर रैली निकाली गई। इस मौके पर गोंडवाना समाज के केंद्रीय अध्यक्ष MD ठाकुर ने बताया कि आदिवासियों के शोषण पर विश्व स्तर रोक लगाने के लिए वर्ष 1994 को 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ताकि समाज एकजुट हो सके और अपने हितों का संरक्षण कर सके। उन्होंने धमधा नगर पंचायत द्वारा आदिवासियों की धरोहर धमधागढ़ में मौजूद किला के साथ त्रिमूर्ति महामाया मंदिर व तालाब को राज्य सरकार को सौंपे जाने का प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव को समाज किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। 24 अक्टूबर 1945 को जब विश्व युद्ध हो रहा था, तब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। पूरे 193 देश के लोग बैठे और विश्व में शांति और सद्भावना बने, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए। उसके 50 साल बाद 1994 को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए पूरा विश्व के सारे आदिवासियों के उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा था, जो प्रताड़ना हो रहा था, जो शोषण हो रहा था, वो कैसे बंद हो, इसीलिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी के रूप में मनाया जाता है। और हम सरकार ने हमारी पिछले मांग को स्वीकार किया और 9 अगस्त को अवकाश घोषित कर दिया। आज का दिन छुट्टी का है। मैं आज जो हमारे सामने जो ज्वलंत मुद्दा आ रहा है, मैं पूरे समाज के सामने रखा हूं और हम इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ेंगे। यदि सरकार यदि हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम रोड में उतरेंगे और सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। वो है 5 अगस्त को हरिभूमि पेपर में पेज नंबर 10 में ये छपा था, नगर पंचायत धमधा ने यह प्रकाशित किया था कि हम धमधा के किला त्रिमूर्ति महामाया मंदिर को और तालाब को हम शासनाधीन करने और ट्रस्ट बनाने की मांग करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले प्राचीन जो ये है स्मारक है, उसके लिए कानून बना था 1964 में मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक और पुरातत्व अवशेष। उस समय 1984 में ये धमधागढ़ का जो किला है, मंदिर वगैरह है, ये पुरातत्व विभाग में संरक्षित थे। लेकिन हम लोग लगातार मांग करते रहे और मांग करने के बाद उस समय अजीत जोगी की सरकार आई और 13 जुलाई 2001 को धमधागढ़ के किला और मंदिर ये संरक्षित से हटा करके पुरातत्व विभाग से निरस्त करके केंद्रीय गौड़ महासभा धमधागढ़ को के अधीन में दिए हैं। और उन्होंने 6 शर्त किए हैं और वो 6 शर्त कलेक्टर के आदेश से होता है। वो 6 शर्त है। पहला है, इसमें रंग रोगन नहीं करोगे, मूर्ति में सामने जो मूर्ति है उस पर तोड़फोड़ नहीं करोगे, जो भी निर्माण कार्य होगा तो उसके लिए कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। हाल ही धमधा नगर पंचायत द्वारा इस धरोहर को शासन को सौंपने और ट्रस्ट बनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव का समाज हर स्तर पर विरोध करेगा। आदिवासियों के हो रहे धर्म परिवर्तन पर उन्होंने कहा कि
पूर्व धर्म परिवर्तन तलवार की नोक पर कराया जाता था, अब लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। समाज में व्याप्त बेगारी, भुखमरी व अज्ञानता के कारण भोले भाले आदिवासी इसका शिकार बन रहे हैं। इसे रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दुर्ग ग्राम पीपर छेड़ी व मुंगेली की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि यहां ईसाई मशीनरी द्वारा समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन कराए जाने की शिकायत मिलने पर समाज के पदाधिकारी हरकत में आए और इसे रुकवाया था। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। देश भर में प्रतिदिन बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर शिवसेना ने बस स्टैंड में मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और पुतला दहन किया। देश में पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों के मुद्दों को लेकर शिवसेना द्वारा आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने बस स्टैंड के पास मानव श्रृंखला बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस की कीमतों में तत्काल वापसी की मांग की गई है। यह प्रदर्शन जिलाध्यक्ष संतोष पांडे के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार इजाफा किया जा रहा है, जिसकी मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। देखिए, केंद्र सरकार जो है दो सालों से, आज हम लोग पूरे भारतवासी कोरोना से पीड़ित चल रहे हैं। दुकानें बंद हैं, रोजगार लोगों के बंद थे, बहुत मुश्किल से जीवन यापन करना, कठिनाइयों में गुजर रहा था। ले दे के अभी लॉकडाउन खुला और जीवन यापन थोड़ा सा चालू हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमत, गैस की कीमत इतनी ज़्यादा बेतहाशा केंद्र के द्वारा बढ़ा दी गई है कि आज हर एक वर्ग, आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। बिजली बिल पटाएगा कि गैस पट लेगा कि आपका डीजल पेट्रोल भरवाएगा, क्या करेगा, घर कैसे चलाएगा। स्कूलों को कीमत देखो, स्कूलों की फीस देखो, आधी बढ़ गई है। मतलब कुल मिला के देखा जाए, केंद्र सरकार हम आम जनता के ऊपर में बोझ पे बोझ डाले जा रही है। हम शिवसेना मांग करते हैं कि हमारी बात को सुने सरकार और तत्काल डीजल पेट्रोल और गैस की जो कीमत उन्होंने बढ़ाई है उसको कम करें, क्योंकि यह पूरा छत्तीसगढ़ में शिवसेना की तरफ से आह्वान है और हल्ला बोल का कार्यक्रम चल रहा है। सरकार अगर नहीं मानेगी तो पार्टी प्रमुख श्री धनंजय जी परिहार के नेतृत्व में रायपुर राजधानी में फिर इसका बहुत बड़ा हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस वृद्धि के कारण महंगाई भी चरम में पहुंच गई है और जनता को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण के चलते लोगों के रोजगार छीन गए हैं, आय के साधन कम हो गए हैं, इस स्थिति के बावजूद केंद्र सरकार उदासीन बनी हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि कीमतों को जल्द कम नहीं किए जाने पर शिवसेना द्वारा आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान महासचिव जवाहर सिंह, शिवराम केशरवानी, आकाश सिंह, शशिकांत प्रसाद आदि सहित शिव सैनिक शामिल रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भारत की आज़ादी के जश्न में राजनांदगांव जिले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह परेड में आत्मसमर्पित पूर्व नक्सली भी शामिल होंगे, जिसके लिए उन्होंने परेड की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। नक्सल विचारधारा को अपनाकर मुख्य धारा से भटककर वर्षों तक नक्सली संगठन का हिस्सा रहे कई नक्सलियों ने शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण की राह अपनाई है और समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। शासन की योजना के तहत इन पूर्व आत्मसमर्पित नक्सलियों को इन दिनों राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आरक्षक बनने बुनियादी परीक्षण दिया जा रहा है। राजनांदगांव सहित अलग अलग जिलों से आए लगभग 44 आत्मसमर्पित नक्सली आगामी 15 अगस्त को राजनांदगांव शहर में आयोजित होने वाली स्वतंत्रता की परेड में शामिल होंगे। इसके लिए स्वतंत्रता दिवस की तैयारी हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है और परेड में इन्हें शामिल किया जाएगा। राजनांदगांव नक्सल ऑपरेशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ई का कहना है कि शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों को योजना के तहत पुलिस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आगामी स्वतंत्रता दिवस के परेड का हिस्सा भी होंगे। पीटीएस में से एक ट्रूप आई हुई है राजनांदगांव में 15 अगस्त के परेड के लिए, जिसमें पहले जो नक्सली गतिविधियों में शामिल थे वो केंद्र और राज्य की विचारधारा और आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर वर्तमान में पुलिस सेवा में पदस्थ हैं,
और वर्तमान में वो पीटीएस में ट्रेनिंग कर रहे हैं और अभी जो 15 अगस्त को परेड होगा उसमें वो शामिल हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के परेड में पूर्व आत्मसमर्पित नक्सलियों को शामिल किया गया है, जिससे उनके भीतर देशभक्ति की भावना जागृत होगी। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आरक्षक बनने का प्रशिक्षण ले रहे पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली भी उत्साह के साथ परेड के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद वे स्वतंत्रता की परेड में शामिल होकर देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे और मातृभूमि पर अपने प्राण निछावर करने वाले वीर सपूतों को नमन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अगस्त क्रांति दिवस को अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी ने बेरोजगार के संरक्षण की मांग को लेकर हिंदी भवन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अगस्त क्रांति दिवस को अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी द्वारा अखिल भारतीय रोजगार मांग दिवस के रूप में मनाया गया। संगठन ने बेरोजगारों के संरक्षण की मांग को लेकर धरना भी दिया, साथ ही बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ उनकी बेरोजगारी अवधि के दौरान उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिए जाने और इस वर्ष के अंत तक सभी पदों पर भर्ती किए जाने की मांग सरकार से की है। संगठन के दिनेश चौरे व आत्माराम साहू ने आरोप लगाया, केंद्र में भाजपा व राज्य में कांग्रेस बेरोजगारों को लुभावने सपने दिखाकर सत्ता पर काबिज हुए हैं, जिसके बाद से उन्होंने बेरोजगारों के हितों को अनदेखा कर दिया है। आज हम लोग 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश भर में युवा वर्ग की समस्या जो है उसके समाधान के लिए हम मांग दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा परेशान युवा है, नौकरियों में लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च करने के बाद भी जॉब्स नहीं है, जबकि सरकारी विभागों में लाखों पद खाली है। इन्हें भरने की मांग को लेकर आज आज़ादी आंदोलन की जो लड़ाई की शुरुआत भारत छोड़ो आंदोलन, इस दिवस को हम मांग दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम लोग ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी की तरफ से पूरे देश भर में यह आंदोलन अखिल भारतीय मांग दिवस के रूप में किया जा रहा है। शिक्षित बेरोजगारी की मांग को लेकर के किया जा रहा है और जितने भी भर्ती प्रक्रिया है उसको तुरंत उस प्रक्रिया को लागू किया जाए और सभी रिक्त पड़े पदों को अविलंब भरने की मांग को लेकर के पूरे देश भर में मांग दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पर दुर्ग जिले में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण करोड़ों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। आम जनता आर्थिक बोझ में दबकर कराह रही है, लेकिन सरकार इस ओर से उदासीन बनी हुई है। बेरोजगार हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए IDYU संगठन के तत्वाधान में यह अभियान प्रारंभ किया गया है। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र पाटिल, पूजा सागर, नरेश साहू, तीरथ साहू, बिमला बाई, दुलारी साहू, विजेता मेश्राम, ममता रामटेक सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat, including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
सेलिब्रेशन सफारी। बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बार नवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमबिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवयुक्त कृषि उपज मंडी दुर्ग के अध्यक्ष अश्वनी साहू का पदभार ग्रहण समारोह मंगलवार को कृषि उपज मंडी प्रांगण दुर्ग में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे एवं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग विधायक अरुण वोरा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। कृषि उपज मंडी दुर्ग के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करने वाले अश्वनी साहू ने जीत हासिल कर मंगलवार को अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ जनों के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक अरुण वोरा, गया पटेल, महापौर धीरज बाकलीवाल, निर्मल कोसरे सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गरिमामय वातावरण में संपन्न हुए कार्यक्रम में सर्वप्रथम आए हुए समस्त अतिथियों का सम्मान फूल व माला भेंट कर किया गया। तत्पश्चात नवनियुक्त अध्यक्ष अश्वनी साहू को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने वर्चुअल तरीके से पदभार ग्रहण करवाया। पदभार ग्रहण करते ही अध्यक्ष अश्वनी साहू व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को आए हुए अतिथियों ने गजमाला पहनाकर बधाइयां दी। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अध्यक्ष अश्वनी साहू को बधाइयां दी। कृषि उपज मंडी समिति काफ़ी पुरानी 50 साल से अधिक मंडी है। जब दुर्ग जिला का विभाजन नहीं हुआ था, विभिन्न तरह वालों तरफ से रही है और लगातार किसानों की सुविधा का यहाँ विस्तार किया जाता रहा। हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विशेष तौर पर किसान किसानी को फोकस किया और योजनाएं बना रहे हैं लगातार, और उन सारे चीज़ों की पूर्ति के लिए मंडी को मजबूत किया जाना बहुत आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाई अश्वनी साहू के पटोरा गांव के निवासी हैं, उनको यहां अध्यक्ष का मनोनयन किया गया है। आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं चूंकि और जमीनी कार्यकर्ता का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके लिए हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दिया है, आभार भी माना है। और अश्वनी साहू जी चूँकि लगातार जमीनी कार्यकर्ता हैं, अनुभव है, किसानी भी करते हैं, सरपंच भी रहे हैं, समाज के भी अध्यक्ष हैं, तो निश्चित तौर पर ये हम मान सकते हैं कि कृषि उपज मंडी में नए आयाम तय करेगा, किसानों की सुविधा के सर्वाधिक यहाँ काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना सीजी मार्ट का, उसको अन्य सारी चीज़ें यहाँ होंगी। ये भाजपा का षड्यंत्र है, हमारे कांग्रेस में कहीं पर भी कोई गुटबाजी नहीं है, कहीं पर भी कोई विसंगति नहीं है, कहीं पर भी कोई 2.5 साल की बात को लेकर के कोई पेपरबाजी नहीं है, कुछ नहीं। सारे कांग्रेसी 70 के 70 एक हैं, पूरा कांग्रेस जन एक है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष अश्वनी साहू ने बताया कि मंडी के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा व मंडी में व्याप्त समस्या का निराकरण करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। ने कहा कि किसानों का दुख दर्द मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा कि मंडी क्षेत्र के पूरे में जितने भी लोग हैं उनको लाभान्वित करूँ और किसानों को लाभान्वित करूँ और शासन की महत्वाकांक्षी योजना उसको आगे बढ़ा सकूँ। ये मैं चार्ज लिया हूँ, उसके बाद मैं बैठक लूँगा अधिकारियों का, उसके बाद क्या होता मैं देखूँगा, उसके बाद सारी व्यवस्था अच्छे से सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा, तब्दील करूँगा पूरी व्यवस्था।
फिलहाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अधीक्षकों अपनी बधाइयां व शुभकामनाएं दी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नक्सल क्षेत्र से प्रभावित लोगों को सही पोषण और शिक्षा प्राप्त हो, जिसके लिए समाज सेवी संजय जैन द्वारा अंगना अंगना सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। समाज की रीढ़ मजबूत करने शिक्षा और स्वास्थ्य का अहम योगदान माना जाता है। मोहला में रहने वाले संजय जैन ने शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय विधायक इंद्र शाह मंडावी के साथ मिलकर बेहतर काम किया। यहां स्मार्ट टीवी के माध्यम से बीहड़ क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई, जिसकी सराहना दिल्ली के नीति आयोग में हुई। अब संजय जैन ने राजनांदगांव जिले के कुपोषित क्षेत्र मोहला मानपुर में सुपोषण के लिए कुपोषण के खिलाफ जंग शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत मोहला ब्लॉक के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र भोजटोला से की गई। भोजटोला में कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्र के कुपोषित बच्चों के माता पिता को अंगना अंगना माँ सुपोषण कार्यक्रम के तहत सुपोषण किट का वितरण किया गया। इस आयोजन में स्थानीय विधायक एवं संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी भी शामिल हुए। आयोजन के दौरान पालकों को सुपोषण किट के बारे में जानकारी दी गई। विधायक एवं संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी ने कहा कि हमारा मोहला ब्लॉक प्रदेश के कुपोषण मामले में दूसरे नंबर पर है। यहां से कुपोषण को दूर करने समाज सेवी संजय जैन की मदद से सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। मोहला मानपुर विधानसभा में हमारे क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहां पे कुपोषण की स्थिति ज़्यादा है। विशेष रूप से मानपुर ब्लॉक पूरा प्रदेश में कुपोषण में दूसरा नंबर पे, तो वहाँ भी हम लोग यहाँ DMA फंड से व्यवस्था किए हैं और हमारे गांव में जितने भी हैं किसान हैं, सुबह खाना बनाते हैं और शाम को आते हैं घर, तो एक बार खाना बना के चल देते हैं और वही ठंडा खाना को खाते हैं बच्चे, तो वहाँ पे चार बार वहाँ पे खाना की व्यवस्था हमारे महिला बाल विकास के तरफ से किया गया है और घर घर में जाके चार बार खाना खिलाते हैं बच्चों को भी गर्भवती माताओं को भी। उसी के तहत सुपोषण अभियान के तहत मोहला ब्लॉक में चर्चा के उपरांत हमारे भाई संजय जैन जो समाज सेवी भी हैं और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जी भी हैं, उनके साथ बात हुई और हम लोगों ने एक तय किया कि यहाँ पे हम लोग भी 6 महीना का 165 जो यहाँ पे कुपोषित हैं, गंभीर कुपोषित हैं, उनको खाना खिलाएंगे, उनको जो अच्छा फ्रूट या ये कहना चाहिए सुपोषण के तहत अच्छा भोजन मिले, उसके तहत काम कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा भोजटोला में पहला कार्यक्रम है जिसमें सभी लोग सम्मिलित हुए और उनको प्रदान किया गया है। आगे भी ऐसी पूरे ब्लॉक में हम काम करते रहेंगे, हमारी ये योजना है। राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र में कुपोषण के कई मामले हैं। यहां लगभग 160 बच्चे कुपोषित हैं, जिसे देखते हुए समाज सेवी संजय जैन महावीर सेवा समिति के सहयोग से अंगना अंगना माँ सुपोषण कार्यक्रम तैयार किया, जिसके तहत कुपोषण को दूर करने खाद्य सामग्री प्रत्येक कुपोषित बच्चों के घरों तक प्रति माह पहुँचा कर दी जाएगी। भोजटोला मोहला और गोटा टोला में आयोजित कार्यक्रम में 167 सुपोषण किट का वितरण किया गया। अंगना अंगना माँ सुपोषण कार्यक्रम को लेकर समाज सेवी संजय जैन ने कहा कि सबके प्रयासों से आज शिक्षा के क्षेत्र में मोहला काफ़ी आगे हुआ है। वहीं अब यहां व्याप्त कुपोषण को दूर करने अंगना अंगना माँ सुपोषण कार्यक्रम चलाकर पालकों को जागरूक किया जा रहा है और कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार किट वितरण किया जा रहा है। समाज सेवी संजय जैन ने कहा कि कई क्रांति की शुरुआत अगस्त माह में ही हुई, अब कुपोषण के खिलाफ भी एक और क्रांति हमने अगस्त माह में ही शुरू की है। मन में एक विचार आया, जब हम अपने लिए जीते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है, जब हम अपनों के लिए जीने की सोच लाते हैं तो हमारा जीवन बेहतरीन हो जाता है। तो उस जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए जो गाँव में जो बच्चे हैं, गरीब शोषित वंचित बच्चे, आदिवासी बच्चे, जो बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं और खान पान का भी उतना उनको ज्ञान नहीं होता है, तो हमारे माननीय विधायक जी की प्रेरणा से CDPO साहब के साथ, देवांगन जी के साथ बैठ के, ABO साहब के साथ इस कार्यक्रम को करने का मन बना और मन में इच्छा जागृत हुई कि
कि क्यों ना पूरे 165 बच्चों को गोद ले लिया जाए। समाज सेवी संजय जैन और महावीर सेवा समिति के सहयोग से दिए जा रहे सुपोषण किट में घी, मूंग, चना, फली दाना और किशमिश शामिल है। वहीं इसे बच्चों को खिलाने की मात्रा और विधि की पर्ची थैले में डाला गया है। इस सुपोषण किट को समाज सेवी संजय जैन व महावीर सेवा समिति एवं स्थानीय विधायक इंद्र शाह मंडावी के सहयोग से निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र का एक भी बच्चा कुपोषित ना रहे, इसके लिए मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। प्रत्येक बच्चों को सुपोषित करने लगभग 6 माह तक उन्हें यह सुपोषण किट दिया जाएगा। अंगना अंगना माँ सुपोषण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए क्षेत्र के बच्चों में कुपोषण की जाँच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व स्थानीय निवासी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। बेमेतरा में चोरों ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 15 से ज्यादा घरों में चोरी की है, जिसे पूरे कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा घरों के ताले टूटे हैं, जिनमें से लगभग घरों में कोई लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे, लिहाजा सुने मकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। मकान मालिक के वापस आने पर ही चोरी का सही आकलन हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से कॉलोनी में चोरी हुआ है, लाखों रुपए चोरी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। साथ ही ऐसे इलाके में चोरी होने से लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश भी है। जिस तरह से जिला मुख्यालय में शहर के बीच स्थित कॉलोनी में इस घटना को अंजाम दिया गया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। पुलिस के सुस्त रवैये व रात्रि गश्त पेट्रोलिंग की भी पोल खोल रखी है, जिससे चोर आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देने में इतनी आसानी से कामयाब हो रहे, जिसके बावजूद भी पुलिस केवल आरक्षकों को भेजकर जांच में जुट गई थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर के घर में भी चोरी हुआ है, अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उसके बाद डॉग स्क्वाड सहित जिले के एडिशनल SP SDOP मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। पता चला कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कुछ घरों के ताले टूटे हैं। तत्काल यहां पुलिस पहुंच गई है और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। वो पूरी जांच-वांच कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई हो सकता है, कोई यहां चोरी करने वाला कोई गिरोह सक्रिय हुआ है और वो हो सकता है इस तरह कोई घटना कारित किए हैं। तो उसमें तत्काल आज हम लोग उसमें कुछ फुटेज भी मिल चुके हैं और उम्मीद है बहुत जल्द से जल्द हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। आपको बता दें कि पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर बेमेतरा की रहने वाली हैं और उन्हें पंडरिया से चुनाव जीतना है। हालांकि पुलिस CCTV कैमरे के आधार पर चोरों को पकड़ने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। रक्तदान को प्रोत्साहन देने के लिए जसलीन केयर एंड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 12 अगस्त को स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय हुड़को में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जसलीन केयर की फाउंडर जसलीन कौर भाटिया व इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य सलाहकार सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का उद्देश्य जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराना है। पिछले साल से पूरा देश कोरोना संक्रमण का दंश झेल रहा है और इसके कारण ब्लड बैंक एवं हॉस्पिटल में ब्लड की भारी कमी आ गई है। आज इस परिस्थिति में ब्लड के सभी ग्रुप की बहुत अधिक आवश्यकता है, लेकिन लोग वर्तमान परिस्थिति में पूर्व की तरह ब्लड डोनेशन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होती जा रही है। डिमांड ज़्यादा होने के कारण अस्पताल व ब्लड बैंक इसकी आपूर्ति नहीं कर पा रही है। ब्लड बैंक में ब्लड की कमी के कारण सिंकलिंग, थैलेसमिया, रोड एक्सीडेंट व गर्भवती महिलाओं से लेकर दिल के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर उन बच्चों सिंकलिंग थैलेसेमिया को जिनको महीने में 3 से 6 बार ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, वे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। डोनेशन का एक आयोजन कर रहे हैं 12 अगस्त को। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम 500 यूनिट ब्लड इकट्ठा करें और इसके पीछे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरा ये था कि सिकल सेल की बीमारी है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट छत्तीसगढ़ है जो कि उस चीज़ का एपिसेंटर है। तो उन लोगों के लिए जिन्हें हर 3 महीने में ब्लड लगता है, ये उन्हीं के लिए निकली गई है। इस 12 अगस्त को जो हम लोग स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अभी तक रक्त का कोई विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प है इंसान, मानव, ह्यूमन बीइंग। और जैसा भी आप सबको पता है कि अभी इस दौरान कल काफ़ी रक्त की कमी आई है, लोगों में रक्तदान की कमी आई है,
तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि लोग आएं, स्वच्छ रक्तदान करें और लोगों का जीवन ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। इस विकट परिस्थिति पर नियंत्रण के लिए जसलीन केयर व इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया जा रहा है। निवेदन है कि आप अपने परिचित दोस्त परिवार एवं संस्थाएं लोगों को रक्तदान हेतु प्रेरित करें। 12 अगस्त को स्वामी स्वरूपानंद महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस महारक्तदान शिविर में उपस्थिति होकर रक्तदान करें। कैमरा पर्सन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सावन के पावन महीने में सेक्टर 7 स्थित भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की मूर्तियों को शरारती तत्वों ने क्षति पहुंचाया, जिसके विरोध में श्री राम जन्मोत्सव समिति के लोगों ने कड़ी निंदा की और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका कहना है कि सेक्टर 7 में शंकर भगवान और हनुमान जी के मूर्ति को शरारती तत्वों ने तोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे शरारती तत्वों के द्वारा हमारे धार्मिक चेतना को ठेस पहुँचाया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री राम जन्मोत्सव समिति का खुला चेतावनी है कि जल्द से जल्द ऐसे शरारती तत्वों पर कार्यवाही नहीं की जाती तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। आज श्री राम जन्मोत्सव समिति की पश्चिम प्रखंड की शाखा और युवा शाखा सेक्टर 7 में हमारे धार्मिक चेतना को आहत पहुंचाने के लिए कुछ विधर्मियों द्वारा शिव जी की एवं बजरंग बली की मूर्ति को खंडित किया गया है। श्री राम जन्मोत्सव समिति इसका पुरजोर विरोध करती है और आज सेक्टर 6 के कोतवाली थाने में आई है कि ऐसे विधर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो शहर में असामाजिक रूप से हमारी धार्मिक चेतना को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राम जन्मोत्सव समिति अगर जल्द से जल्द ऐसे विधर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो सड़क पर उतरकर ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि हम सभी सारे सामाजिक धार्मिक लोगों का सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे खुद के धर्म पर यदि कोई इस प्रकार का आहत करने का प्रयास करेगा तो इसके लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा। भैया ये घटना एवेन्यू एक ही है, रसायन कॉम्प्लेक्स के पीछे जो शिव मंदिर है, बजरंगबली मंदिर है, वहाँ की घटना है। आज सुबह प्रातः लोग जो पूजा करने गए होंगे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे किसी असामाजिक तत्वों ने मंदिर को तोड़फोड़ कर दिया है। तो हम लोग जो रामेश्वर समिति का मैं पश्चिम प्रखंड प्रेम प्रकाश उपाध्यक्ष प्रेम प्रसाद हम लोग और हमारी टीम जो भी है सब गए वहाँ पे और देखे तो ये घटना जो थी सच साबित हुई है और किसी असामाजिक तत्वों ने वहाँ पे तोड़फोड़ किया है। तो इसकी हम शिकायत करने के लिए भी हम थाने में आए हैं और हम ये चाहते हैं इससे धार्मिक भावनाओं का आहत ना पहुंचे। ये मुद्दा बड़ा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये हम बस पूरी प्रशंसा में उम्मीद करते हैं। पहली बात तो ये बता दूं, सेक्टर 7 एवेन्यू ए के पीछे ये शिव मंदिर पिछले 25-30 साल पुरानी मंदिर है, जिसमें शिवलिंग की स्थापना हुई है, शिव मूर्ति रखी गई है, बजरंग बली की मूर्ति की स्थापना की गई है। काफी आस्था है यहाँ पे लोगों का, पूरे बस्ती के लोग सेक्टर के एवेन्यू के लोग आते हैं वहाँ पूजा करने के लिए। अभी सावन का महीना चल रहा है, काफी धार्मिक माहौल है। इसमें कुछ अज्ञात लोग आके रात को मंदिर को खंडित किए, मूर्तियों को खंडित किए हैं। वहीं ही किसी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम बुरे से बुरे देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन तुषार मार्कंडे के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।